हर हर महादेव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं औंधा नागनाथ महादेव के दर्शन के लिए। औंधा नागनाथ महादेव महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में स्थित। महाराष्ट्र राज्य में जब औरंगजेब का शासन था तब उसने ये मंदिर ध्वंस करवाया था। उसके बाद 18वीं सदी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद इस मंदिर की खासियत है कि आपको इस मंदिर में जाके दो सीढ़ी उतर के अंदर गुफा में जाके बाबा औंधनाथ महादेव के दर्शन होंगे। उसका कारण ये है गाइस कि जब नागनाथ महादेव में जो नामदेव सबसे प्रिय महादेव के भक्त हैं वो उनके भक्ति कर रहे थे तब पुजारी ने उनको निकाल दिया था। उसकी वजह से वो पीछे वाले द्वार पे बैठ के अपना भजन करने लगे। उसके बाद गाइस ये हुआ कि भगवान महादेव स्वयं उनकी साइड घूम गए और ये मंदिर उल्टा हो गया। उसकी वजह से औंधा नागनाथ महादेव नाम पड़ा इसका। कुछ जान के हैरानी होगी कि एकमात्र मंदिर है भारत में जो पश्चिम मुखी द्वार है। सो हम गाइस पहुँच चुके थे, तब इतनी सारी भीड़ थी मंदिर में तो हम रुके रहे और हमारा नंबर थोड़ी देर के बाद आया था। थोड़ी सी भीड़ थी तो उसके बाद हमने अच्छे से दर्शन किए और आप देख सकते हो ये अंदर का भाग है मंदिर का। तो उसके बाद भी आपको दो सीढ़ी उतर के नीचे जाके भगवान के दर्शन होंगे और बाहर से कुछ मंदिर इस तरह से दिखता है। ये बहुत ही सुंदर है क्योंकि ये मंदिर का द्वार पश्चिमी द्वार है। तो आप जब मंदिर जाओगे गाइस तो सबसे पहले ये नोटिस करना कि जो नंदी जी की मूर्ति है वो आपको पीछे की साइड देखने को मिलेगी, यानी कि नंदी जी की मूर्ति आगे होने की जगह भगवान शिव के पीछे है। नागेश्वर महादेव यानी कि नागनाथ यानी कि औंधा महादेव और एक नागेश्वर महादेव हमारी गुजरात में भी स्थित है दारुकावन द्वारिका में, जो उसका नाम भी नागेश्वर महादेव से ही जाना जाता है। तो गाइज हम तो चलेंगे अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मंजिल के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।